ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب هفيض بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام

और सलाम नाजिल हूँ अल्लाह के तमाम नबियों पर खूस आखिरी नबी हज़रत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहतरम हाजरीन अल्लाह ताला ने इंसानों की रिश्त हिदायत के लिए बहुत सारे नबियों और रसूलों को भेजा और ये सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर महमदुलरसोल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया आप सल्लल्लाहु वसल्लम नबूवत की आखिरी कड़ी थे आपके बाद कोई नबी कोई रसूल अब दुनिया में नहीं आएगा आपने जो कुछ भी कहा आपने जो कुछ भी किया यह अल्लाह के हुक्म के मुताबिक था चूँकि कयामत तक कोई नबी अब आने वाला नहीं है इसलिए क़यामत तक जो ज़रूरी बातें थीं सब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी है क़यामत से पहले क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं उम्मत कहाँ कहाँ गलतियाँ करेगी उसकी इस्लाह कैसे होगी ये सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी है किसी के जहन व दिमाग में ये बात ना आए कि अल्लाह के वसल्लम ने गैब की बातें कैसे बता दी जबकि हम तो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल को ग़ैब का इल्म नहीं था तो आप ये समझ लें कि अल्लाह के रसूल ने अपनी तरफ़ से नहीं बताई बल्कि अल्लाह तबारक व ने वही के ज़रिए से नबी को बताया और नबी ने उम्मत को बताया ये हमारे जहन में रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी पेशियाँ की हैं कि क़यामत से पहले ये होगा ऐसा होगा लोग ऐसा करेंगे अगर उन तमाम का सिलसिला शुरू किया जाए तो मेरे ख़्याल से काफ़ी वक्त लगेगा अलबत्त कुछ अहम बातें जो हमारे से रिलेटेड हैं जो हमारे से ताल्लुक़ रखती हैं उन बातों की तरफ इशारा करूँगा सबसे पहली बात हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह के नबी सल्लम आखिरी नबी हैं आखिरी रसूल हैं आपके बाद कोई नबी कोई रसूल नहीं आएगा कुरानी मजीद में अल्ला तबारक ताली ने इस बात की वजाहत फरमा दी है कि आप आखिरी रसूल हैं ख़ातनबी ये नया आपके बात कोई नबी नहीं आएगा तो मुद्दान नबूत खड़े होंगे ये अल्लाह के नबीस का आ, कहना था और आपने पेशीन गोई की थी आपकी ज़िंदगी में भी कुछ लोग नबूत का दावा कर लिए थे और आपके वफात के बाद भी कुछ लोगों ने नबूत का दावा किया और ये सिलसिला अब तक जारी है और कयामत तक जारी रहेगा अब तक कितने लोगों ने नबूत के दावे किए सब आए और चले गए जो हैं वो भी चले जाएंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला रदील्लो हदीस के रावी हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया तक आ तोह हत्ता युब आसा दज्जालोना कज्जा करीबम मिन सलासीन क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि तीस लोगों को नहीं भेजा जाएगा वो तीस क्या होंगे दज्जालून वो तीस भी दज्जाल होंगे कज़्ज़ाबून झूठे होंगे आप सल्ला फरमा कुल्लु यज़ यज़अमु अन्नहु रसूल अल्लाह उनमें से हर आदमी का ये दावा रहेगा कि वो अल्लाह का रसूल है तो आप वसल्लम ने यह पेशीन गोई कर दी है आप के ज़माने में भी लोग हुए आज भी हैं आइंदा भी रहेंगे तो नबूवत का दावा करने वाले खड़े होंगे आप आखिरी नबी हैं ये हमारा अकीदा है बुखारी की हदीस के अलावा अबू दाऊद में भी ये मौजूद हदीस मौजूद सऊबान रज़ी अल्लाह हदीस के रावी हैं अल्लाह के नबी सरमा फ़ी उम्मती सलासूला कजाबूना कुल्लु यज़ अमो अन्ना नबी मेरी उम्मत के अंदर तीस लोग पैदा होंगे सयकून फ़ी उम्मती मेरी उम्मत में कितने लोग होंगे सलासून तीस लोग पैदा होंगे कज्ब सब के सब झूठे होंगे कुल्लु यज अमो अन्नाहु वो तीस में से हर आदमी ये दावा करेगा कि वो नबी है वह अना ख़ा मैं आखिरी नबी हूँ ला नबी आबादी मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशीन गोई पूरी हुई बहुत सारे लोगों ने नबूत का दावा किया मुसलमान कजाब ने किया असुद अंसी ने किया सजाह बिनते हारिस ने किया मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने किया इसी तरीक़े से दौर हाज़िर के बहुत सारे छोट भइए हैं जो नबूवत का दावा करते रहे हैं वो आते रहेंगे जाते रहेंगे हमें हमारा अक़ीदा ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं आपके बाद अब क़यामत तक कोई नबी आने वाला नहीं है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशिन गोई बहुत अहम थी जिसको हमें समझना ज़रूरी है आप सल ने जो पेशीन गोइयाँ की हैं आपने जो बातें बताई हैं उसमें से एक बात यह है कि मेरी उम्मत यहूद नसारा के तरीक़े को अपनाएगी अल्लाह हम सबको महफूज रखे दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी के ऊपर लानत भेजा गया है कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व ताली ने जिन कौमों को मलून करार दिया है उन तमाम कौमों में ये दोनों कौम हैं यहूद और नसारा बार बार अल्लाह तबारक वाले ने इन कौमों को मलून करार दिया लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके बावजूद भी मेरी उम्मत यहूद व नसारा के तरीक़े को अपनाएगी जबकि हमारा हाल यह है कि हम हर नमाज में अल्लाह से दुआ करते हैं इस दिन सरातलमस्तकीम सरातलता गैरमूबालीन यह हर नमाज में हम दुआ करते हैं अरे हमारे परवरदिगार हमें सीधा रास्ता दिखा दे वो रास्ता जिन पर तूने अपना इनाम किया है जो तेरे इनाम याफ्ता लोग थे उनके रास्ते पर चला अलैहिम रिलमूबल उन लोगों के रास्ते में मत चला जिनके ऊपर तेरा गज़ब नाजिल हुआ मुफसरीन ने लिखा है मकजूब अल से मुराद यहूद हैं वीन और गुमराहों के रास्ते पर मत चला गुमराहों से मुराद नसारा है तो नमाज में तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह यहूद नसारा के रास्ते से हमको बचा लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो यहूदियों का तरीका अपनाते हैं नसरानियों का तरीका अपनाते हैं अल्लाह के नबी नबीसम की ये पेशीन गोई है कि मेरी उम्मत के लोग यहूदो नसारा के तौर तरीके को अपनाएंगे अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह रजील्ला हदीस के रामी हैं कहते हैं अल्लाह के नबी फरमाया ललत लतत तब उन न सुन न मन का नबल कुम तुमसे पहले जो उम्मतें गुजर चुकी हैं तुम उनकी पैरवी करोगे उनके पीछे चलोगे उनकी इतबा करोगे शिबराम बिबरिन ज़रा अम्बे कैसे पैरवी करोगे उनकी बराबरी कैसे करोगे जैसा कि एक बालिश दूसरे बालिश्त के बराबर है ये दोनों हाथ की बालिश कम ज़्यादा नहीं है जैसे ये दोनों हाथ की बालिश बराबर है तुम यहूदों नसारा की बराबरी करोगे जरा अम्ब जिस तरीके से एक हाथ दूसरे हाथ के बराबर है इसी तरीके से तुम यहूदो नसारा के बराबर चलोगे अल्लाह हम सबको महफूज रखे आपने फरमाया तुम पहली उम्मतों की पैरवी करोगे शिबरम बे इन जरा अम उसी तरीके से जिस तरह एक बालिश्त दूसरे बालिश्त के बराबर है और एक हाथ दूसरे हाथ के बराबर है लकू जोहरा जब बिन यहां तक कि उन लोगों में से कोई आदमी अगर गोह के सुराख में दाखिल हुआ होगा आपने फरमाया लसलक तुम हो तो तुम भी गोह के सुराख में दाखिल हो यहूदियों की पैरवी करोगे नसरानियों की पैरवी करोगे कुल ना या रसूल अल्लाह यहूद व नसारा हमने कहा अये अल्लाह के रसूल आप किसको मुराद ले रहे हैं क्या हम यहूद नसारा के डगर पर चलेंगे क्या हम उनके तौर तरीक़े को अपनाएंगे आप ने फरमाया फमन तो और कौन है यानी यहूद नसारा के नक्शे कदम पर तुम चलोगे उनकी पैरवी करोगे उनके रहन सहन को अपनाओगे उनके तहजीब और कल्चर को अपनाओगे हाल ये है कि हम हर चीज में यहूद नसारा के तर्ज को अपनाते हैं यहाँ तक कि ज़ुबान भी अगर कोई अंग्रेज़ी बोलता है तो हम अंग्रेज़ी बोलना फैशन समझते हैं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अंग्रेज़ी ज़ुबान नहीं बोलना चाहिए बोलना चाहिए ज़रूरत है इसलिए कि हम जहाँ जाते हैं मुख्तलिफ हालात होते हैं मुख्तलिफ लोग होते हैं लेकिन अंग्रेज़ी ज़ुबान को अहम कह देना अपनी ज़ुबान और अपने कल्चर और अपनी तहजीब को कमतर समझना हम इसकी मुखालफत करते हैं अंग्रेज़ी ज़ुबान बोलने की मुखालफत नहीं करते हैं लेकिन अपनी ज़ुबान को कमतर समझना हम इसकी मुखालफत करते हैं। ज़ुबान कोई भी बुरी नहीं है यही वजह है कि एक आदमी अपने आप को यहूद नसारा के नक्शे क़दम पर उनकी तर्ज़ ज़िंदगी को अपनाने की कोशिश करता खाने पीने में लिबास में शादी ब्याह में रहन सहन में हर चीज़ में यहां तक कि बालों की स्टाइल में बहुत अफसोस होता है कभी कभी मैं गौर करता हूँ और इससे पहले मैं मैं ये बात बता चुका हूँ मुतनवा कर चुका हूँ कि बहुत सारे हमारे लोग लिबास के मामले में भी यहूद नसारा के लिबास को अपनाते हैं आपने महसूस किया होगा नमाज में आते हैं अल्लाह के घर में आते हैं लेकिन सजदा करते हैं तो उनका सतर्क पीछे से खुल जाता है क्या हमारी मस्जिदों में ऐसे लोग नहीं हैं आप किसका तरीका अपना रहे हैं आप किसके रास्ते पर जा रहे हैं रुकू करते हैं तो ऊपर की शर्ट ऊपर चली जाती है पैंट नीचे चली आती है पैंट शर्ट पहनना जायज है हम इसकी मुखालफत नहीं करते हैं लेकिन इतना टाइट पहनना इतना छोटा पहनना कि आप सजदा और रुकू में जाएं तो आपकी सतर खुल जाए दूसरों की नमाजें खराब हो जाएं, क्या ये यहूद नसारा का तरीका अपनाना नहीं है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम बालिश दर बालिश हाथ दर हाथ उनके पैरवी करोगे उनके नक्शे कदम पर चलोगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फ़रमाया हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तह बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार हुए मौत में वफात से चंद दिन पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हदीस बताई आपने फ़रमाया अलल यहूदी व नसारा यहूदियों पर अल्लाह की लानत है नसरानियों के ऊपर अल्लाह की लानत है कबूर अम्बिया इहिम मसाजिदा उन लोगों ने अपने नबियों की कब्रों को सजदा बना लिया नबी ने मुतनबह किया अपनी उम्मत को मेरी उम्मत भी मेरे कब्र पर सजदा न करे हमारा अकीदा है कि इस रोय ज़मीन पर जितनी जमातें पैदा हुई हैं उन तमाम जमातों में सबसे अफजल अगर है तो अम्बिया की जमात है ये क्रीम लोग थे इनको रुश्तो हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने भेजा था पूरी दुनिया की फलाह व बहबूदी के लिए इन्होंने रात दिन मेहनतें की इनसे अच्छी जमात आज तक पैदा नहीं हुई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों पर नसरानियों पर लानत फरमाई क्यों इसलिए कि उन्होंने नबियों की खबरों को सजदागाह बना लिया हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ना कहती हैं कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये डर ना होता कि लोग आपकी कबर को सजदा गाह बना लेंगे तो आपकी भी कबर मैदान में बनाई जाती लेकिन ये डर था कि लोग आपकी कबरों पर सजदा करने लगेंगे इसलिए अल्लाह तबारक वाले ने आपकी कब्र को महफूज रखा और मैं कहता हूँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की अल्लाह ला तज अल कब्री वसना अल्लाह ला, ला तज अल कब्री वसना अल्लाह ला, ला तज अलब्री वसना मेरी कब्र को बुत मत बनाना मेरी कब्र को बुत मत बनाना अगर आज नबी की कबर की हिफाजत अल्लाह नहीं किया होता लोग अल्लाह के नबी की कबर की मिट्टियां खा जाते अल्लाह के नबी के कबर की हिफाजत अल्लाह ने कैसे की यहूदियों ने अपने नबी की कबर पर सजदा किया तो लानत भेजी गई आज हमारे गली गली में रोड रोड पर एक एक शहर में सैकड़ों लोगों ने वलियों के नाम पर पीरों के नाम पर फकीरों के नाम पर कबर बना लिया है लोग सजदे कर रहे हैं क्या हम यहूद डगर पर नहीं हैं अरे उन्होंने तो नबियों की कबरों पर सजदा किया था आज हमने वलियों के नाम पर पीरों के नाम पर फकीरों के नाम पर किन किन लोगों के नाम पर कैसे कैसे लोगों के सजदे किए जा रहे हैं जबकि अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करना हराम है किसी और को सजदा करना हराम है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करना जायज़ और दुरुस्त होता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि अपने शौहर को सजदा करे लेकिन अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करना जायज़ और दुरुस्त नहीं है यह उम्मत यहूद नसारा के डगर पर जा रही है आज कब्रों पर लोग सजदा कर रहे हैं मेरे भाइयों यहाँ भी हमने यहूद व नसारा के तर्ज को अपनाया जरूरत है कि इन गलत रास्तों को छोड़ करके सिरात मुस्तकीम की तरफ आ जाएं। अल्लाह तबारक ने कुरान मजीद में फरमाया व तखदू अहबा मिन रिंद यहूद नसारा ने अपने मौलवियों को अपने दुर्वेशों को रब के अलावा अल्लाह के अलावा रब बना लिया अल्लाह के अलावा मौलवियों को रब बना लिया दुर्वेशों को रब बना लिया किसने यहूद नसारा ने हजरत आदि बिन हातिम रदी अल्लाह तला कहते हैं मैं अल्लाह के नबी वसल्लम की खिदमत में पहुंचा मेरे गले में सोने की सलीब थी सोने की सलीब पहन करके नबी की खिदमत में पहुंचा अल्लाह के नबी वसल्लम ने देखा तो कहा इसको उतार दो कहते हैं मैंने उसको उतार दिया फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अये अल्लाह के रसूल अल्लाह तला ने कुरान मजीद में फरमाया है हैबार व रोहबा रह अरबा बम बिंदू इन लोगों ने अपने दुरवेशों को और अपने मौलवियों को अल्लाह के अलावा रब बना लिया है हम तो किसी मौलवी को रब नहीं मानते हम तो किसी अपने रहनुमा को रब नहीं मानते हैं तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या ऐसा नहीं है कि तुम्हारे वलमा कह देते हैं कि यह हलाल है तो तुम कहते हो हाँ हलाल है क्या ऐसा नहीं है कि तुम्हारे वलमा कह देते हैं कि यह हराम है तो तुम कह देते हो कि हाँ हराम है कहा हाँ ये तो है कहा यही तो रब मानना है हलाल करने का अख्तियार किसको है अल्लाह को है हराम कहने का अख्तियार किसको है अल्लाह को है और मेरे भाइयों बात आई है तो सुन लीजिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हलाल और हराम का अख्तियार नहीं है अल्लाह ने जो हलाल किया वो हलाल है अल्लाह ने जो हराम किया वो हराम है अल्लाह के नबी वसल्लम का वो वाकया सूरह तहरीम के अंदर अल्लाह ने बयान किया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार शहद पी करके अपनी बीवियों के पास गए तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल आपके मुंह से मगाफिर की बू आती है एक ये, ये एक साजिश के तहत था मैं उस तफसर में नहीं जाना चाहता हूं। सिर्फ इशारा कर देता हूँ अल्लाह के नबी ससरु ने फरमाया नहीं मगाफिर की बू कैसे आ सकती है मैं तो सिर्फ शहद खाया हूं दूसरी बीवी के पास पहुंचे उन्होंने भी यही कहा अः अल्लाह के रसूल आपके मुँह से मगाफिर की बू आती है अल्लाह के नबी ससुरु ने फरमाया अच्छा अगर अगर ऐसी बात है कि मुझे शहद खाने से तुमको तकलीफ है तो आज के बाद मैं शहद नहीं खाऊंगा अल्लाह ने फौरन कुरानी मजीद में आयत उतारी या अयोहन नबी ओ ले तो हर रिमो तब हल्ला तब तगी मातावाजिक नबी जिसको अल्लाह तला ने हलाल किया है तुम कौन होते हो हराम करने वाले पढ़ो सूरह तहरीम या एय्योहन नबी ओ लेमा तो हर रमोमा हल लाक अबी तुम उस चीज को हराम क्यों कहते हो जिसको अल्लाह ने हलाल किया तब तगी मर जािक तुम अपने बीवियों की खुशनुदी चाहते हो अकबर हलाल और हराम का अख्तियार सिर्फ रब को है किसी मुफ्ती के फतवा देने से हलाल हराम नहीं हो सकता है और न हराम हलाल हो सकता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यही है अपने वलमा को रब बनाना कि वो हलाल कह दें तो हलाल मान लो हराम कह दें तो हराम मान लो आज लोग वमा की आज लोग अपने मौलवियों की आज लोग अपने मुफ्तियों की कैसी पैरवी करते हैं नबी की बात को वह अहमियत नहीं दी जाती है जो अपने इमामों और मोलियों की बात की दी जाती है अल्लाह सबको हिदायत नसीब फरमाए अब्दुल्ला बिन अमर बिन बिनाश रजील् तारा कहते हैं, अल्लाह के नबी ससर ने फरमाया मेरी उम्मत बनी इसराइल के नक्शे कदम पर चलेगी उनके एक एक कदम पर चलेगी कैसे जैसे एक जूता दूसरे जूते के बराबर होता है जूता छोटा बड़ा नहीं होता जिस तरीके से दोनों जूते बराबर होते हैं मेरी उम्मत भी बनी इसराइल की बराबरी करेगी उनके नक्शे कदम पर चलेगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर बनी इसराइल में किसी ने अपनी माँ के साथ एलानिया जना किया होगा तो मेरी उम्मत में भी कोई नाहंजार पैदा होगा जो अपनी मां के साथ एलानिया जना करेगा कहां पहुंच गए हम कहां पहुंच गए हम क्या रोज अखबार में नहीं पढ़ते हैं एक भाई ने अपनी बहन की इज्जत लूट ली एक बाप ने अपनी बा, बेटी की इज्जत लूट ली एक बेटे ने अपनी मां की इज्जत लूट ली कहां चले गए हैं किस कदर इंसान दरिंदा हो गया है यहूदों नसारा के नक्शे कदम पर चलते चलते बल्कि हमारे नबी ने फरमाया वो तो कम थे मेरी उम्मत उनसे भी आगे जाएगी आपने फरमाया उनमें बहत्तर फिरके थे मेरी उम्मत एक कदम और आगे जाएगी तिहत्तर फिरके हो जाएंगे अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लुम फिन्नार सब जहन्नम में जाएंगे इल्ला वाहिदा एक जन्नत में जाएगा सिर्फ साहबे के राम ने पूछा अल्लाह के रसूल वो कौन सी जमात वो कौन सा फिरका है जो जन्नत में जाएगा आपने फरमा मा अना व सहाबी जिस तरीके पर मैं हूं मेरे सहाबा जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके को अपनाएगा वो जन्नत में जाएगा बाकी सब के सब लोग जहन्नम में जाएंगे मेरे भाइयों रसूल पर हूं और इंतहाई ऐमानदारी के साथ ये बात कहता हूं कि इस वक्त दुनिया में अगर कोई जमात है तो सिर्फ जमात अहर हदीस है जो किताबुल्लात रसूल पर अमल करती है वरना तमाम के तमाम लोग गुमराह हो चुके हैं कोई शहर के नाम पर कोई इमाम के नाम पर कोई पीर के नाम पर कोई फकीर के नाम पर कोई किताब के नाम पर लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है ये बात कहते हुए हमें फख्र महसूस हो रही है कि हमने अगर किसी को मुक्त माना है अगर हम किसी की इत्तबा कर रहे हैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कर रहे हैं और हमारे पास सिर्फ दो ही वसूल हैं किताबल्ला सन्नत रसूल अहले हदीस के सिर्फ दो ही वसूल व वतियो रसूल अगर अल्लाह ने जिंदगी रखी तो इन अगला खुतबा जो होगा वह मनहज अहिल हदीस पर होगा कि वो कौन सी जमात है जो जन्नत में जाएगी और हम अपने आप को हदीस कहते हैं और अफजल और बेहतर कहते हैं उसका सबब क्या है हम अपने दावे में कितने सच्चे हैं और अहले हदीस कहते किसे हैं इन शह अगर बाहियात रहे तो अगला खुतबा उस सिलसिले में होगा मेरे भाइयों हमारे नबी ने फरमाया मेरी उमत बनी इसराइल के तर्ज को अपनाएगी अल्लाह हम सबको महफूज रखे आप ने जो पेशीन गोइयां की हैं आपने जो मना किया है फरमाया है उसमें से एक बात यह है कि मेरी उम्मत में बुग्ज़ वसद पैदा हो जाएगा गुरु और तकबर पैदा हो जाएगा लोग एक दूसरे से कंपटीशन करने लगेंगे आज आज किस कदर हम एक दूसरे से बख्ज व हसद रखते हैं। आज भाई भाई में अदावत तो दुश्मनी है आप आज बाप बेटे में आदाब तो दुश्मनी है एक बाप अपनी औलाद के दरमियान तफरीक पैदा करता है सिर्फ पैसे की वजह से जो बेटा ज्यादा पैसा कमाता है उसकी बड़ी अहमियत है हलाल लाता है कि हराम जो बेटा कम कमाता है अपना बाप खुद उसको कोई अहमियत नहीं देता कहता है ये तो किसी काम का नहीं है हमने सब कुछ पैसा समझ लिया हमने सब कुछ दौलत समझ लिया हम अल्लाह के बनाए हुए तकदीर को भूल गए हमने अपना एक नजरिया बदल दिया मेरे भाइयों हमारे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत में फख्र गुरूर तकबुर हसद बोझ और इनाज पैदा हो जाएगा और आज हम सब लोग उसके शिकार हो गए अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए आपने फरमाया सयूसीब उम्मती दाउल मेरी उम्मत में पहले उम्मतों की बीमारियां आ जाएंगी सयुसीब उम्मती दाउल उमम मेरी उम्मत में पहले उम्मतों की बीमारियां आ जाएंगी फकाल या रसोल्ला मा उमम साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल पहले उम्मतों की बीमारियां क्या हैं वो कौन सी बीमारियां हैं जो पहली उम्मतों में थी आपकी उम्मत में आ जाएगी आपने फरमाया अल अशर्रु वल बतरु तुम फख्रो गुरूर में वब्तला हो जाओगे एक दूसरे पर गुरूर करने लगोगे आज हमारा हाल क्या है हम अपने से कमतर को इंसान ही नहीं समझते हम पैसे के बल पर ओहदे के बल पर ताकत के बल पर खानदान के बल पर हसबोन केवल पर दूसरों को कमतर समझने लगे अल्लाह के नबी सम की एक हदीस है कफा किसी भी इंसान के लिए गुनहगार होने के लिए सिर्फ इतनी काफ़ी है इतनी बात काफ़ी है कि अपने भाई को हकीर समझे मामूली समझे आज हम कितना लोगों को मामूली समझते हैं कहते हैं वो मुझसे बात करने के लायक है ओ हम कौन हैं वो हमसे बात करने के लायक नहीं है हमारे नबी तो रोड पे चलते हुए दीवानों से भी गुफ्तगु कर लिया करते थे आज हम अपने आप को कितना अप टू डेट समझने लगे हम अपने आप को कितना अहम कर लिया हमने अपने आप को अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया अल अशर्रू वल बतरु फख्र और गुरूर में मुबला हो जाएंगे व तकासरु व तनाफु सूफ़ी दुनिया दुनिया हासिल करने में एक दूसरे से कंपिटिशन करने लगेंगे बिल्डिंगे बनाने में कारें खरीदने में दुकान जमाने में कंपनियां और कारखाने खोलने में दुनिया में कंपटीशन करेंगे दीन का अब कोई वैल्यू नहीं है दीन की कोई अहमियत नहीं है हमारी नजर में दुनिया 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 कितना हम आगे निकल जाएं हमारा साथी हमारा भाई हमारा पड़ोसी हमसे आगे है हमें उससे आगे निकलना है दुनिया की दौड़ में लग गए हम आपने फरमाया तका तकास व तनाफुसुफी दुनिया दुनिया के मामले में एक दूसरे से कंपटीशन करने लगे व तबाहजू व तहासुद और बुग्जु हसद पैदा हो जाएगा हत्ता यकून यहाँ तक कि जुल्म तक नौबत आ जाएगी लोग इस कदर हसत करने लगेंगे कि एक दूसरे के ऊपर जुल्म करने लगेंगे आज जुल्म नहीं कर रहे हैं हम अप, अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए दूसरों के कंधों पर चढ़ जाते हैं हम अपने आप को मालदार समझने के लिए किसी गरीब का माल हड़प कर लेते हैं, गरीबों का हक मार करके बड़ा बनता है दूसरों के ऊपर जुल्म करके मालदार बनता है दूसरों के कंधों पर पैर रख करके ऊंचा बनता है आज हमारी हालत है ये अल्लाह के नबी ससर ने फरमाया मेरी उम्मत में ऐसे लोग पैदा होंगे जो अपने आप को ऊंचा जाहिर करने के लिए जो अपने आप को बड़ा जाहिर करने के लिए बोझ, हसद कीना कपट से बाहर हट करके जुल्म तक वो पहुंच जाएंगे और जुल्म का इरतक करने लगेंगे मेरे भाइयों हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशीन गोइयाँ की हैं उसमें से एक पेशीन गोई ये भी है कि मेरी उम्मत की हालत बहुत नाजुक हो जाएगी मेरी उम्मत बहुत पतली हो जाएगी अल्लाह हैतबान रज़ील्लादीस के रामी है मशहूर हदीस है इससे पहले भी बयान कर चुका हूँ मैं अबू दाऊद की हदीस है आप ससर ने फरमाया एक वक्त आएगा सारी उम्मतें मेरी उम्मत पर टूट पड़ेंगी कैसे जैसे भूखे लोग दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं साहब कल ने कहा कि अल्लाह के रसूल क्या हमारी तादाद कम हो जाएगी क्या हम गिनतियों में कम होंगे आपने फरमाया नहीं बल यऊ मई दिन तुम उस दिन बहुत ज्यादा हो गए लाखों में नहीं करोड़ों में होंगे आज हम एक अरब से भी ज्यादा हैं हम दावा तो करते हैं हम एक अरब से ज्यादा हैं लेकिन हमारा वजन क्या है हमारी हैसियत क्या है आज हमारी हैसियत उस पत्ते की तरह से है उस पतंग की तरह से है जिसकी डोर दूसरों के हाथ में है जब चाहता है उड़ा देता है जब चाहता है खींच लेता है आज हमारी हैसियत प्यारे नबी ससर ने फरमाया बल अंतुम यउमई दिन उस वक्त तुम्हारी तादाद बहुत होगी लेकिन तुम्हार तुम बेवजन हो जाओगे बहते हुए पानी के ऊपर खसो खाशाक की हैसियत होगी तुम्हारी जिस तरीके से पानी बहता है खसो खाशाक उसके ऊपर होते हैं तुम्हारी वही हैसियत हो जाएगी साहबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों होगा हम इतना क्यों ढीले हो जाएंगे अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारे दिल में वहन पैदा हो जाएगा सहाबा ने पूछा मल वहन या रसूल अल्लाह अल्लाह के रसूल वहन क्या है दुनिया वो कराहिए मौत तुम मौत से डरने लगोगे और दुनिया से मोहब्बत करने लगोगे आज हम दुनिया से कितनी मोहब्बत करते हैं दुनिया से इस कदर मोहब्बत करते हैं कि हमारे सामने बाप की मां की भाई की बहन की बेटी की औलाद की कोई हैसियत नहीं है हमारी दुनिया हासिल करने में जो भी रुकावट बनता है हम उसको कुचल करके आगे बढ़ना चाहते हैं हमने दुनिया को महबूब कर लिया है वह करातुलमौत मौत से डरने लगे हैं डॉक्टर के पास जाते हैं अल्लाह सबको बीमारियों से महफूज रखे जब इंसान नाउमीद हो जाता है कि अब वो मौत के आगोश में जाने लगा है कहता है डॉक्टर साहब कितना भी लगेगा हम लगाने के लिए तैयार हैं लेकिन जिंदगी बचा लीजिए अरे जिंदगी बचाना अल्लाह के हाथ में है डॉक्टर की क्या हैसियत है अगर पैसे के बल पर जिंदगियां बचाई जाती कोई मालदार मौत की नींद में नहीं जाता कोई मालदार मरता नहीं पैसों से जिंदगियां नहीं बचाई जा सकती हैं मरना है सबको मौत से क्या डरना जिस दिन मुसलमान ये सोच लेगा कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है वो जिंदगी से और मौत से मोहब्बत और नफरत की बात छोड़ देगा जिंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है इसलिए दुनिया से इस कदर मोहब्बत करना अपने रब को गाफिल होकर लेना अपने रब को छोड़ देना ये बेवकूफ़ी है ये कब अखली है अल्लाह के नबी सल्ला वसम ने फरमाया मेरी उम्मत में जो चीजें पैदा होंगी एक चीज यह होगी कि मसाजिद को सजाया जाएगा लोग एक दूसरे पर फख्र महसूस करेंगे आप वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद की रिवायत है कयामत कायम नहीं होगी लोग मस्जिद में एक दूसरे पर फखर करेंगे आज हमारे लोगों ये मामला नहीं है मेरी मस्जिद तेरी मस्जिद से अच्छी है ये फला जमात की मस्जिद है यह और अच्छी है यहाँ के पत्थर यहाँ के ग्रेनाइट यहाँ के ये झूमर यहाँ के कतबे, अकबर मस्जिद इसलिए बनाई गई है अफसोस होता है कि लोग बेकार की चीजों में पैसे खर्च करते पत्थरों में पैसे खर्च करते हैं झूमरों में पैसे खर्च करते हैं आ, हो सकता है हल्का फुल्का लगा लो कोई अलग बात है लेकिन बहुत ज्यादा पैसे इन मस्जिदों पर खर्च करना इसको मुजयन करना अल्लाह के नबी ससर ने फरमाया लोग अपनी मस्जिदों को ऐसे ही संवारेंगे जैसे लोग अपने अपने गिरजाघरों को संवारते हैं आज मस्जिदों को संवारने का आज मस्जिदों को सजाने का सिस्टम शुरू हो गया और पत्थर कहाँ से आ रहा है फला मुल्क से आ रहा है कालीन कहाँ से आ रही है फला मुल्क से आ रही है नमाजी ही नहीं है नमाजी ही नहीं है मस्जिद तो ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका मस्जिदें तो सजाई जा रही हैं मस्जिदें तो संवारी जा रही हैं लेकिन ईमान निकलता जा रहा है वीरान होती जा रही हैं हमारे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत मस्जिदें बनाने में एक दूसरे पर फख्र करेगी मेरी मस्जिद तेरी मस्जिद से अच्छी है मेरे भाइयों मस्जिदों को सजाना संवारना बंद कर दो मस्जिदों की देखभाल करने वालों की देखभाल करो मस्जिदों की देखभाल करने वालों की देखभाल करो ये मस्जिदें आबाद हैं इमाम और मोहन से ये मस्जिदें आबाद हैं मस्जिदों के खादमीन से आप कितनी भी आलिशान मस्जिद बना ले अगर आपका इमाम बराबर नहीं है आपका मोहजिन बराबर नहीं है आलीशान मस्जिद बना करके कोई फायदा नहीं मस्जिदों पर ज़्यादा खर्च करना बंद कर दें। तामीर अलग चीज है मस्जिदों को वसी करना अलग चीज है लेकिन सजाना संवारने से अल्लाह के नबी ने मना किया है आज हमारा ज्यादा पैसा जो खर्च होता है मस्जिदों के डेकोरेशन में खर्च होता है मस्जिदों को सजाने और संवारने में खर्च होता है अल्लाह के वास्ते मस्जिदों को सजाना संवारना बंद कर दीजिए आप वसल्लम ने और जो पेशीन गोईया की है, उसमें से एक पेशीन गोई ये है कि मेरी उम्मत में हलाल और हराम की तमीज़ खत्म हो जाएगी लोग हलाल और हराम की तमीज़ नहीं करेंगे पैसा आना चाहिए जरिया हलाल है या हराम कोई फर्क नहीं पड़ता ये तमीज़ खत्म हो गई है आज लोग एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए हलाल और हराम की तमीज़ खत्म कर दिए हैं आपने फरमाया कि मेरी उम्मत का हाल ये होगा सुबु मोमिन रहेगा शाम को काफिर हो जाएगा अपने दीन को दुनिया के बदले में बेच देगा आपने फरमाया बदकारी आम हो जाएगी बदकारी आम हो जाएगी शहरों में जिनाकारी के और बदकारी के अड्डे बनाए जा रहे हैं आप पैसे देकर करके अपनी शहबत पूरी कर सकते हैं नाच और गाने की मजलिसें बनाई जा रही हैं आपने फरमाया शराब पीना आम हो जाएगा लोग शराब पिएंगे आलाते मौसीकी की कसरत होगी शराब का दौर चल रहा होगा ऊपर म्यूजिक चल रही होगी आज आज कौन सा शहर महफूज है शहरों की छोड़िए कौन सा घर महफूज है आज हमारे जेबों में म्यूजिक है हमारे घरों में म्यूजिक है आज आज लोग म्यूजिक के दीवाने हो गए अल्लाह के नबी ने फरमाया शराब आम हो जाएगा म्यूजिक की कसरत होगी नाचने और गाने वालियां ज्यादा हो जाएंगी शराब पिया जाएगा और याद रखो प्यारे नबी ने फरमाया उस वक्त तीन तरह के अजाब हो जाएंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शक्लें बदल दी जाएंगी शक्लें बदल दी जाएंगी चेहरे से रौनक खत्म हो जाती है आज इन बदकारियों की वजह से आज इन गुनाहों की वजह से चेहरे की रौनक खत्म हो गई आपने फरमाया आसमान से पत्थरों की बारिश होगी आज आसमान से पत्थरों की बारिश हो रही है अजाब नाजिल हो रहे हैं बस्तियों की बस्तियां डूब जा रही हैं। हमारे नबी ने फरमाया जमीन में लोगों को धंसा दिया जाएगा ये सारे अजाब हम देख रहे हैं आसमान से आफतें उतर रही हैं जमीन को धंसाया जा रहा है और शक्लों को बदला जा रहा है नूरानियत खत्म हो रही है ये हमारे गुनाहों के असरात हैं जिन्होंने हमारी जिंदगी को अजीरन कर दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम देखोगे अल उरात फिल बनियान वो लोग जिनकी कोई हैसियत नहीं थी बकरियां चराने वाले जानवरों के पीछे चलने वाले जिनकी जिंदगी की कोई हैसियत नहीं थी जिनको तुम बहुत मामूली समझते थे प्यारे नबी ने फरमाया वो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाएंगे आलीशान इमारतें बनाएंगे और एक दूसरे पर फख्र करेंगे जो खानदानी लोग थे यूं ही रह गए और जो बकरियां चराने वाले थे आलिशान बिल्डिंगें बना रहे हैं मेरे भाइयों ये सब कयामत की निशानियां हमारे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत में होगा ये तराहुमुल हमल उरात फिल बुनियान नंगे बदन रहने वाले नंगे पैर रहने वाले जिनकी समाज और माशरे में कोई हैसियत नहीं थी आलिशान बिल्डिंगें बनाएंगे आज वो आलिशान बिल्डिंगों में जा रहे हैं आखिरी बात अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत में खलबतों में मुहर्रमात का इरतकाब होगा आपने फरमाया मैं मेरी उम्मत के उन लोगों को मैं जानता हूँ। कयामत के दिन जब वो आएंगे तो उनके नेकियां तिहा पहाड़ की तरह चमक रही होंगी बहुत ज्यादा नकियां लेकर के आएंगे लेकिन जब वो अल्लाह के सामने पहुँचेंगे अल्लाह ताला उनकी नेकियों को ऐसे हवाओं में उड़ा देगा हवा मंसूरा कर देगा छोटे छोटे टुकड़े बना करके उनकी नेकियां उड़ा दी जाएंगी नेकियां बहुत ज़्यादा होंगी लेकिन अल्लाह ताला उनको राख बना करके उड़ा देगा साहबा ने कहा कि अय अल्लाह के रसूल वो कौन बदनसीब लोग होंगे उनकी निशानात तो बताएं आपने फरमाया वो तुम ही जैसे होंगे सुनो गौर करो हमारे नबी ने फरमाया वो तुम ही जैसे होंगे उसी तरह नमाजें पढ़ेंगे जिस तरह तुम नमाजें पढ़ते हो रात में नमाजों का एहतमाम करेंगे तहज्जुद का भी एहतमाम करेंगे उनको जब देखोगे तो तुम अपने आप को कमतर समझोगे उनकी नमाजें उनके रोजे उनके सदकात व खैरत उनकी नेकियां इस कदर ज्यादा होंगी तुम तो कि तुम देखोगे तो ये बहुत बड़ा अल्लाह का वली है लेकिन हमारे नबी ने फरमाया ये सब जाहिर में होगा अल्लाह अकबर अल्लाह हम सब को रियाकारी से महफूज रखे जब वो तनहाई में होगा अपने आप को गुनाहों से बचा नहीं सकेगा लोगों के सामने अपने आंखों से आंसू बहा लेना लोगों के सामने आके सजदे और रुकू कर लेना लोगों को दिखाने के लिए तहजद पढ़ लेना सदका वैर बांट देना यह अलग चीज है लेकिन तनहाई में मुहर्रमत का इरतकब करना आज हमारा हाल क्या है अगर हमें मौका मिल जाए गुनाह करने का तो क्या हम यूसुफ सलाम की तरह से अपने आप को बचा पाएंगे आज ये मोबाइल जिसका इंटरनेट से कनेक्शन है ये बुराई का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है आज आपको मामूली से मामूली चीज से लेकर के बड़ी सी बड़ी चीजें आपको मोबाइल में मिल जाएंगे अच्छे लोग इसको अच्छाई के लिए इस्तेमाल करते हैं बुरे लोग इसका बुराई के लिए इस्तेमाल करते हैं हमारे नबी ने फरमाया कि उनके उनकी नेकियों को बर्बाद कर दिया जाएगा जैसे हवाओं में खसो को उड़ा दिया जाता है वो कौन लोग होंगे वो वो लोग होंगे जो देखने में अच्छे होंगे हकीकत में बुरे होंगे आज बहुत सारे चेहरे हमारे सामने अल्लाह हम सब को महफूज रखे हमारी जाहिर को हमारी बातिन को अल्लाह हमारे जाहिर से भी अच्छा बना दे अल्लाह हम सब को सच्चा पक्का मुसलमान बना दे अल्लाह जब तक दुनिया में रखे इस्लाम पर कायम रखे ख़ात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर हो रब्बना तकब्बल मन्ना कांत समीलीम व तुबालना कांत तवाबरहीम बे रहमति कैया अरहमर राहमी आमीन